साडे यूट्यूब चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स विच तुहाडा स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर टीचर, अज असी विशा कंप्यूटर साइंस जमात 11वीं पाठ 5 कंट्रोल फ्लो भाग 1 विच इस पाठ दे छोटे उत्तरां वाले प्रश्न अते वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न पढ़ांगे। ए प्रश्न उत्तर शुरू करन तो पहला मैं तुहानू कंट्रोल स्टेटमेंट्स बारे जां कंट्रोल फ्लो बारे जानकारी देवांगा, क्योंकि जेकर तुहानू कंट्रोल फ्लो या कंट्रोल स्टेटमेंट्स बारे जानकारी नहीं होगी तो तुहानू पाठ समझ नहीं आएगा। इसलिए सब तो पहले असी देखांगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स या कंट्रोल फ्लो का की अर्थ है। आओ देखते हाँ। पाठ नंबर 5 कंट्रोल फ्लो नू कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। तुहानू मैं पहला भी दस्या है कि सी भाषा का प्रोग्राम एक क्रम विच चलता है। जेकर असी सी भाषा की हदायतों का क्रम बदलना हो असी कंट्रोल फ्लो जां कंट्रोल स्टेटमेंट्स की वरतों करते हाँ। सी प्रोग्राम विच प्रोग्राम के फ्लो नू कंट्रोल करन लई कंट्रोल स्टेटमेंट्स की वरतों होंगी है। मतलब जेकर असी प्रोग्राम की हदायतों का क्रम बदलना हो तो असी कंट्रोल स्टेटमेंट्स की वरतों करांगे। कंट्रोल स्टेटमेंट्स 3 किस्म दियां हुंदियां हन। नंबर 1 डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का अर्थ है कि प्रोग्राम किसी कंडीशन पर निर्भर करता है। मतलब जेकर कंडीशन सही है तो प्रोग्राम का एक हिस्सा लागू होगा, जेकर गलत है तो दूसरा हिस्सा लागू होगा। उदाहरण वजो इफ अते स्विच स्टेटमेंट, इसनों असी अगे डिटेल में पढ़ांगे। नंबर 2 लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट्स की वरतों उन हालातों में की जाती है जो असी किसी स्टेटमेंट को बार बार दोहराना हो रिपीट करना हो। उदाहरण वजो फोर लूप, वाइल लूप अते डू वाइल लूप। नंबर 3 है जंपिंग स्टेटमेंट्स। जंपिंग स्टेटमेंट की वरतों प्रोग्राम के एक हिस्से तो दूजे हिस्से पर जंप करने की जाती है, जां जेकर असी किसी लूप विचों बाहर आना हो जां लूप नू लगातार लागू रखना हो तां उस केस विच जंपिंग स्टेटमेंट्स की वरतों होंदी है। उदाहरण वजो ब्रेक अते कंटिन्यू स्टेटमेंट। छोटे उत्तरां वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है लूप की हुंदी है। लूप एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। इस दी वरतों किसी स्टेटमेंट जां हदायत नूं बार बार लागू करन लई जां दोहराउन लई कीती जांदी है। लूप 3 किस्म दी हुंदी है। नंबर 1 फोर लूप, नंबर 2 वाइल लूप ते नंबर 3 डू वाइल लूप। जेकर इस साधारण शब्दां विच गल करिए, जेकर असी किसी सीरीज़ नूं जां किसी नंबरां नूं लगातार प्रिंट करना हो, मतलब कि सानूं चाहिए कि असी 1 तो लैके 100 तक गिनती प्रिंट करनी है, वह सानूं बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। असी उहदे लई लूपिंग जां लूप स्टेटमेंट वरत सकते हाँ। यह असी अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ांगे कि लूप की हुंदी है ते इसनूं किवें वरतिया जा सकता है। दूजा प्रश्न है अगले अते पिछले जंप तो तुसी की समझते हो। इन्हां विकल्पां लई किहड़ा लूप इस्तेमाल किया जाता है। सी भाषा विच कुछ जंपिंग स्टेटमेंट्स की वरतों की जाती है। जंपिंग स्टेटमेंट्स की वरतों प्रोग्राम के एक हिस्से तो दूजे हिस्से पर जाने लई की जाती है। मतलब ये जंपिंग स्टेटमेंट्स है, इन्हां दी मदद नाल असी प्रोग्राम के एक पार्ट तो दूजे पार्ट से आसानी नाल जंप कर सकते हाँ। सी प्रोग्राम विच जदों प्रोग्राम का कंट्रोल कुछ अगलियां स्टेटमेंट्स से चला जाता है तो उसनू अगला जंप कहा जाता है जां फॉरवर्ड जंप कहा जाता है। पर जदों प्रोग्राम का कंट्रोल कुछ पिछलियां स्टेटमेंट्स से चला जाता है तो उसनू पिछला जंप कहा जाता है जां बैकवर्ड जंप कहा जाता है। अगे जंप करने लई फॉरवर्ड गो टू स्टेटमेंट यूज होंदी है ते पिछे जंप करने लई बैकवर्ड गो टू स्टेटमेंट वरती जाती है। इन्हां विकल्पां लई हेठ लिखियां स्टेटमेंट्स वरतियां जांदियां हन। ओह कीड़ियां कीड़ियां ने? ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट वह स्टेटमेंट हुंदी है
ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਲੂਪਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਵਰਡ ਗੋ ਟੂ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਗੋ ਟੂ। ਫਾਰਵਰਡ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੁਝ ਅਗਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੁਣਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਸਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਲੋਜੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਤੀਜਾ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲੋਕ 1 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲੋਕ 2 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲੋਕ 2 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲੋਕ 1 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਐਲਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਗਲਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆਫ 2 ਨੰਬਰਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਫ ਐਲਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੀਡੀਓ ਡੋਟ ਐਚ ਐਂਡ ਕੋਨੀਆ ਡੋਟ ਐਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬ੍ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੋ ਵੈਰੀਏਬਲ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਏ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਬੀ। ਜੇਕਰ ਏ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਏ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਏ ਵੈਰੀਏਬਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਬੀ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਟ F9 ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ F9 ਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਏ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਏ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਏ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 10 ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਬੀ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, 4 ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। 4 ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਲੋਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 2 ਬਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਰੂ ਅਤੇ ਫੋਲਸ। ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਰੂ ਬਲੋਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੋਲਸ ਬਲੋਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਨੈਸਟਡ ਇਫ। ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੇਬਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਲੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਵੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਫ, ਇਫ ਐਲਸ, ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਅਤੇ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇਫ, ਇਫ ਐਲਸ, ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਲੋਕ ਚਲੇਗਾ, ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬਲੋਕ ਚਲੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਹੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮਲਟੀਵੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਸ ਲੇਬਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਏਜ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਹੈ 18 ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਲੱਸ, ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਹੈ 60 ਤੋਂ ਪਲੱਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜੇ ਕੱਢਣੀ ਹੋਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਟਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਡਾਟਾ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਡਾਟਾ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਕਦੋਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਈ ਲੂਪ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਰ ਲੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਲੂਪ ਇੱਕ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਫੋਰ ਲੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਈ ਲੂਪ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰ ਲੂਪ ਅਤੇ ਵਾਈ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਈ ਲੂਪ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਦੀ। ਫੋਰ ਲੂਪ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਈ ਲੂਪ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਪ ਚਲੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਵਾਈ ਲੂਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਗ ਇਨੀਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਲੂਪ, ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਜਾਂ ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ, ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨੀਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ। ਇਨੀਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੂਪ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵਾਈਲ ਲੂਪ 'ਚ
इस विच लूप दे तीनों भाग इनिशियलाइजेशन कंडीशन ते अपडेशन वख वख लाइनां विच लिखे जांदे हन। मतलब कि फोर लूप च तीनों भाग एक ही लाइन च लिखे जांदे हन ते वाइल लूप च लूप दे तीनों भाग वख वख लाइनां विच लिखे जांदे हन। तीसरा पॉइंट, कंट्रोल वेरीएबल द इनिशियलाइजेशन हमेशा लूप के अंदर होंदी है। मतलब कि फोर लूप के जो असीं कंट्रोल वेरीएबल इनिशियलाइज करांगे लूप के अंदर ही इनिशियलाइज हुंदा है, मतलब वो अंदर ही वैल्यू देखती है। बट वाइल लूप के अंदर कंट्रोल वेरीएबल की इनिशियलाइजेशन हमेशा लूप के बाहर होंदी है। मतलब कि वाइल लूप के अंदर जो असीं कंट्रोल वेरीएबल डिकलेयर करांगे उसनूं वैल्यू असीं लूप के बाहर देवांगे ना कि अंदर। चौथा पॉइंट, इस विच कंडीशन विच रिलेशनल एक्सप्रैशन की वरतों होंदी है। मतलब कि फोर लूप के जो असीं कंडीशन लवेंगे उसदे च रिलेशनल एक्सप्रैशन वरतिया जाएगा। रिलेशनल का मतलब लैस दैन, ग्रेटर दैन, लैस दैन इक्वल टू या ग्रेटर दैन इक्वल टू वर्गे ऑपरेटर जिहड़े वह वरते जाएंगे। तो राइट साइड से वाइल लूप, इस विच कंडीशन विच रिलेशनल एक्सप्रैशन या नॉन जीरो कीमत की वरतों होंदी है। मतलब कि वाइल लूप के विच असीं रिलेशनल एक्सप्रैशन भी वरत सकते हैं या कोई पॉजिटिव वैल्यू भी वरत सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट है सिंटैक्स। सिंटैक्स की इन्हों लिखने का ढंग, फोर का सिंटैक्स है पहले फोर, फिर इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर अपडेशन। तुहानूं दूजे पॉइंट च दस्सिया सी कि लूप के तीनों भाग एक ही लाइन च लिखे जाते हैं फोर लूप च। तो देखो कि तीनों भाग एक ही लाइन च है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन ते अपडेशन। इनिशियलाइजेशन शुरू वाली वैल्यू, कंडीशन का मतलब लूप कितने तक चलेगी, तो अपडेशन का मतलब कि वैल्यू नूं इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना। उस तो बाद करली ब्रेसिस के अंदर बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप का मतलब है कि जेडी भी स्टेटमेंट तुसी लूप के अंदर बार बार रिपीट करना चाहते हो। तो राइट साइड से पंजवा पॉइंट सिंटैक्स, पहले इनिशियलाइजेशन है, फिर वाइल कंडीशन है, फिर बॉडी ऑफ लूप है, फिर अपडेशन है। जो असी इस यूज करांगे तो तुसी देख रहे हो, मैं दस्सिया कि लूप के तीनों भाग जिहड़े वख वख लाइनां च आ रहे हैं। यह देखो वख वख लाइनां च आ रहे हैं। तो इनिशियलाइजेशन जिहड़ी है यह सब तो पहले आती है, यह हमेशा लूप तो बाहर होंगी है। लूप तो बाहर का मतलब कि करली ब्रेसिस के बाहर। तो की और ध्यान रखनी है, जरा फोर लूप से फोर है, यद फोर समॉल लैटर चाहे फोर कीवर्ड है, तो जरा वाइल है यदा वाइल भी समॉल लैटर चाहे कोई वाइल का कीवर्ड है। बाकी नैक्सट चैप्टर असं ये जो प्रोग्राम पढ़ा तो तुम दोनों का कंपैरिजन होर चंगी तरह समझ आ जाएगा। प्रश्न नंबर चार है, केस लेबल की होंगे हैं अते वह किवें वरते जाते हैं। केस लेबल स्विच स्टेटमेंट का भाग हैं। स्विच स्टेटमेंट एक मल्टीवे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट विच वक वक ऑप्शन देने लई केस लेबल्स की वरतों हुंदी है। हर एक केस दूजे केस नालों वक हुंदा है। इस स्टेटमेंट विच असी अनेका केस लेबल्स विच्चों किसे एक केस नूं चुन सकते हाँ, ते हर केस विच कुछ स्टेटमेंट्स होणगियां। स्विच स्टेटमेंट विच हर एक केस तो बाद ब्रेक स्टेटमेंट की वरतों होंदी है सिवाय अंतम केस के। ब्रेक स्टेटमेंट असं इसलिए वरतते हाँ क्योंकि जेकर असं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं वरतेंगे तो जिन्हें भी केस है उन्होंने अंदर जिन्हें भी स्टेटमेंट्स वो सारिया सारिया लागू हो जाएगियां। बट जिहड़ी स्विच स्टेटमेंट है एक कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर असं एक समय से एक ब्लॉक ही चला सकते हाँ। जेकर सारे ब्लॉक चल गए तो सानू कंडीशन लगा का कोई फायदा नहीं। बट जो लास्ट केस होंगे वह होंगे डिफॉल्ट केस, वो असी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं वरतते। इसकी वरतों हेठ लिखे अनुसार होंगी है। मतलब केस लेबल्स या स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स की है असं उन्होंने देखा। स्विच स्टेटमेंट का या केस लेबल का सिंटैक्स की है, सब तो पहले स्विच कीवर्ड आएगा तो ब्रैकेट च आएगा वेरीएबल, अगर कैलिब्रेस स्टार्ट इतने लिखे केस वैल्यू वन ब्लॉक वन ते ब्रेक, फिर केस वैल्यू टू ब्लॉक टू ते ब्रेक अप टू सो ऑन, ते लास्ट केस है डिफॉल्ट ते ब्लॉक एंड ते करली ब्रेसिस बंद। इत्थे वेरीएबल दी वैल्यू जेकर वन है ते केस वैल्यू वन वाली स्टेटमेंट जिहड़ी है जब ब्लॉक लागू होगा तो नाल ही उसचों बाहर आ जाएगा ब्रेक के कारण। जेकर वेरीएबल दी वैल्यू दो है तो ब्लॉक टू चलेगा, जेकर तीन है तो ब्लॉक तीन अप टू सो ऑन। तो जेकर वेरीएबल दी वैल्यू किसी भी केस वैल्यू नाल मैच नहीं करती तो किहड़ा ब्लॉक चलेगा एन। इस नूं असीं समझदे हां, जेकर वेरीएबल की कीमत पहले केस नाल मेल करती है तो ब्लॉक वन लागू होगा, अते जेकर वेरीएबल की कीमत दूजे केस नाल मेल करती है तो ब्लॉक टू लागू होगा। इस तरह यह वेरीएबल की कीमत हर केस नाल मेल करेगा। जेकर वेरीएबल की कीमत किसी भी केस नाल मेल नहीं करती तो डिफॉल्ट केस रन करेगा अते ब्लॉक एन लागू होगा। मतलब कि जे सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो डिफॉल्ट आ जाएगा, तो कौन ब्लॉक रन होगा ब्लॉक
एन ते ब्लॉक एन दे नीचे ब्रेक नहीं आएगी तुहानू पहले भी दस चुके हैं कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर सारे केस वैल्यूज नाल ब्रेक स्टेटमेंट आती है सिवाय लास्ट केस ते। असी हुण स्विच स्टेटमेंट नू एक प्रोग्राम नाल समझते हाँ। इत्थे मैं प्रोग्राम बनाया प्रोग्राम टू प्रिंट डेज ऑफ ए वीक यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। इस प्रोग्राम में अं देखांगे कि हफ्ते 7 दिन होंगे ने, जेकर वन प्रेस करांगे तो संडे आएगा, टू प्रेस करांगे मंडे आएगा, इस तरह अप टू 7 तक सैटरडे आएगा। यदि असं हम वर्किंग देखते हाँ प्रोग्राम दे विच, तो सब जानते हो कि सब तो पहला हैडर फाइल स्टूडियो दे कोनियो डिकलेयर करनी जरूरी होंगी रहे। उस तो बाद मैं वर्ड मेन फंक्शन डिफाइन किया क्योंकि बिना मेन फंक्शन तो सी भाषा का प्रोग्राम नहीं बन सकता। उस तो बाद असं करली ब्रेस लई है, तो उस तो बाद मैं किया है कि एक डे नाम का वेरीएबल डिकलेयर किया जिहड़ा कि इंटीजर किस्म का है। उस तो बाद क्लीयर स्क्रीन फंक्शन डिकलेयर किया है। हुण मैं स्कैनफ फंक्शन की मदद नाल एक डे वेरीएबल है जिसनों रीड किया, तो इतने मैं लिखा कि एंटर डे फ्रॉम 1 to 7, क्योंकि तुम सब जानते हो कि हफ्ते 7 दिन होंगे, तो 1 नूं मैं संडे मनिया, 7 नूं सैटरडे मनिया। जे असी 1 तो लैके 7 दे विच विच वैल्यू दवांगे तो जिहड़े केस है वह काम करनगे, जे वैल्यू 1 तो छोटी होएगी जां 7 तो वड्डी होएगी तो जिहड़ा डिफॉल्ट केस है वह लागू होगा। स्विच ते ब्रैकेट दे विच मैं लिया डे। स्विच एक कीवर्ड है जो स्विच स्टेटमेंट लई वरत्या जांदा है, तो डे मेरा कंट्रोल वेरीएबल है जिहदे आधार पर जिहड़े केस है वह लागू होणगे। मान लो जेकर मैं 1 प्रेस करदा तो मैसेज आएगा इट इज़ संडे, तो इस तो बाद ब्रेक लगाया। ब्रेक असं इस करके लगाया कि जेकर साडा पहला केस चलता तो उहदे विचों बाहर आने लई सानू ब्रेक कीवर्ड लगाना जरूरी है। जेकर ब्रेक नहीं लगावांगे तो केस 1 ते चलेगा ही, उहदे नाल नाल जिहड़े आ अगले केस भी चल पैणगे, तो सानू फिर मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का फायदा कोई नहीं है। इस करके ब्रेक स्टेटमेंट जिहड़ी है हर केस तो बाद मस्ट है सिवाय डिफॉल्ट केस के। जेकर मैं 2 प्रेस करदा तो आएगा इट इज़ मंडे, जो 3 करना इट इज़ ट्यूजडे, अप टू 7 तक इट इज़ सैटरडे। जेकर असी वेरीएबल की कीमत 8 भर दें तो फिर की आएगा रोंग चॉइस। हुण असी इस प्रोग्राम नू रन करके देखते हाँ। सब तो पहला मैं की करदा एंटर डे फ्रॉम 1 to 7, मैं कीमत भरदा डे वेरीएबल की 3, तो मैसेज आएगा इट इज़ ट्यूजडे, क्योंकि केस 3 के अंदर असी जो मैसेज लगाया वो की है इट इज़ ट्यूजडे। मैं दोबारा इस प्रोग्राम नू रन करदा, तो हूँ मैं की करदा एंटर डे फ्रॉम 1 to 7, हूँ मैं की करदा कि डे वेरीएबल की कीमत भर दिना 9, हूँ आएगा रोंग चॉइस। क्यों? क्योंकि स्विच स्टेटमेंट के अंदर जिहड़ी मैं वैल्यूज लई हैं वह लई है 1 to 7, केस 1 तो लैके 7 तक। जेकर वैल्यू 7 तो वध जाती है जिदा आपां 9 लई है तो मैसेज आएगा रोंग चॉइस, क्योंकि इत्थे डिफॉल्ट केस लागू होया है। जेकर तुहाडी कोई क्वेरी क्वेश्चन जां सुजैशन है तो कमेंट सैक्शन विच जरूर दसना, अते जेकर तुसी अजे तक मेरे इस यूट्यूब चैनल नूं लाइक अते सबसक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसनूं लाइक अते सबसक्राइब जरूर करो, अते बैल आइकन नूं प्रेस करना ना भुल्लो ताजो तुहानूं मेरियां नवीं वीडियोज़ दे नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।